उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। पांचवी लिस्ट में उनका टिकट कट गया है। बीजेपी ने उनके स्थान पर 2021 में भारतीय जनता पार्टी में आए जितिन प्रसाद को मौका दिया, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी की पांचवी लिस्ट से वरुण गांधी का नाम गायब होना ही सबसे अहम खबर थी, लेकिन अब तक इनका कोई बयान इसको लेकर के सामने नहीं आया है। दूसरी ओर वरुण गांधी के बारे में पहले चर्चा थी कि वह बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही उतर सकते हैं चुनावी अखाड़े में। उनके निजी सचिव की ओर से नामांकन पत्रों के 4 सेट भी खरीदने की बात सामने आई थी, लेकिन अब उनका रुख पलटता दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी को कांग्रेस की ओर से खुला ऑफर भी मिला, लेकिन वह भाजपा से बागी होकर न तो निर्दलीय लड़ेंगे और न ही किसी दूसरे दल में फिलहाल जाएंगे। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी से टिकट कटने पर वह छला हुआ महसूस तो जरूर कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पीलीभीत से उनको फिर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अब वह दिल्ली से पीलीभीत भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि पहले खबर थी कि उन्होंने अपने सचिव को भेजकर नामांकन पत्र मंगवाए हैं। इसके अलावा पीलीभीत के हर गाँव से 2 कारों और 10 बाइकों के साथ समर्थकों को तैयार रहने को भी कहा गया था, लेकिन इन सब पे अब पानी फिर गया है। दूसरी ओर अब वरुण गांधी का इरादा बदलता दिखाई दे रहा है। इसकी एक वजह यह है कि भाजपा ने उन्हें टिकट तो दिया नहीं और खुलकर बागी होने का मौका भी नहीं दिया है। दरअसल सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उनकी मां यानी मेनका गांधी को टिकट मिला है। ऐसे में अगर वरुण गांधी को लगता है कि अब यदि वह पार्टी लाइन से अलग हटे तो फिर मेनका गांधी पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में वह फिलहाल चुप ही रहना चाहते हैं। उनके अगले कदम की अभी कोई जानकारी खासा सामने आई नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही तय माना जा रहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही निर्दलीय और ना ही किसी अन्य पार्टी से। दूसरी ओर इस बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुला ऑफर दिया है गांधी को। चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी का रिश्ता गांधी फैमिली से है, इसीलिए उन्हें टिकट नहीं मिला है, और यदि वह कांग्रेस में आना चाहे तो हम उनका वेलकम करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना चाहिए, अगर वह आए तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता है। उन्होंने कहा कि उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं। बता दें कि पीलीभीत में पहले राउंड में मतदान होना है और 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और अब तक वरुण कैंप की तरफ से हलचल बता रही है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसकी वजह भी हमने आपको बता दी है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।